और सुनो इंडिया में, अब आपको चीन की एक नई साजिश के बारे में बताते हैं। आपको पता है चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद जो है वो लगातार गहराता और गर्माता जा रहा है, लेकिन अब चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, कैसे ब्लड बैंक बना रहा है बॉर्डर के पास, ये खबर भी सामने आई है। आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं और बॉर्डर पर ब्लड बैंक बना रहा है। अखबार ने दावा किया है कि चीन बॉर्डर पर ब्लड बैंक बना रहा है और युद्ध के लिए खून जमा कर रहा है। केवल बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि कई राज्यों के बड़े अस्पतालों में भी ब्लड कैंप बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, चीन एक बड़े ब्लड बैंक को तिब्बत शिफ्ट करने की भी तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के वक्त घायल सैनिकों के उपचार में खून की कमी न हो, इसके लिए चीन का ये ब्लड बैंक प्लान सामने आया है।